हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया। रात के 8 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 डेज करंट अफेयर्स। आज है बेटा हमारा 6 जुलाई 2021। भाई देखो, अब एक चीज समझ लेना कि करंट अफेयर्स की वैल्यू बेटा आज के तारीख में आपके यूपीएससी एग्जाम्स में कितनी है वो तो आप भी जानते हैं। और याद रखिएगा बेटा कि बिना करंट अफेयर्स के आज की तारीख में आप जीएस का सेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जीएस के सेक्शन में कम से कम 15 से 20% आते हैं। और आप सोचिए, भारत जैसे देश को जहां पर 130 करोड़ की आबादी है, वहां पर आप सोचिए कि कहां आप आधा एक नंबर की गुंजाइश नहीं है, लोगों की आधे एक नंबर से कट ऑफ रुक जाती है, तो 15-20% क्वेश्चंस को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मिस करना याद रखिएगा। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। अब देखो बच्चों, ये करंट अफेयर्स कौन से बच्चे करें, जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ओटीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। देखो बेटा, हमारा सीडीएस का एग्जाम कब है समझो, तो हमारा सीडीएस का एग्जाम जो है बच्चों वो नवंबर 2021 में है। और हमारा सीएपीएफ का एग्जाम कब है, तो सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो अगस्त 2021 में है। अब आप समझिए कि सीडीएस और सीएपीएफ में ये देखा गया है, ज्यादातर जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं उसमें देखा गया है कि करंट अफेयर्स बेटा जो है आपकी 15 महीने की पूछी जाती है। अब 15 महीने में क्या होता है कि जितना आप एग्जाम से करीब होते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो आप जितना ज्यादा एग्जाम से करीब होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके उससे पूछे जाएंगे, मतलब लास्ट के 6 महीने के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर चल के कम होते हैं। अब देखो, अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस के करंट अफेयर्स आपको अगस्त 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का करना है, मतलब अब आपके लिए तो ये करंट अफेयर्स भाई साहब बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि लास्ट के 3 महीने की करंट अफेयर्स आपकी सीडीएस की यहीं से फंसने वाली है। तो इस सेशन को आपको अटेंड करना तो बहुत जरूरी है। और अगर सीएपीएफ की बात करते हैं तो सीएपीएफ में बेटा आपको मई 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर करना है। तो इसका मतलब है कि सीएपीएफ में भी ये लास्ट महीने की करंट अफेयर है जो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा जो बच्चे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 महीने का करंट अफेयर्स का बेटा मैं पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपके लिए फ्री क्लासेस में, जो कि इस सैटरडे दोपहर को 2 बजे से पहली क्लास में लेने वाला हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया है, फटाफट सब लोग यार सेशन को लाइक और शेयर करो और भी लोग जोड़ो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम कासिफ अंसारी है और याद रखिएगा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस डिफेंस एग्जाम के लिए 10 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं अनअकैडमी प्लस पर, मैंने 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हुए हैं और मैंने खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, जनरल स्टडीज का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैं सब कुछ आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, याद रखिएगा। सो लेट्स क्रैक सीडीएस सीएपीएफ एफकैट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। जी हां, यू नेम इट वी हैव इट, ऑल द टॉप एजुकेटर्स इन द कंट्री आर ऑन अनअकैडमी। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
इसके लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। याद रखिएगा बच्चों, मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं। और याद रखिएगा, अन अकेडमी बहुत सारी कैटेगरीज में ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड करता है, आने वाले समय में हम और भी कैटेगरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो फटाफट इस ऐप को डाउनलोड करें। और उसके बाद आप कहेंगे सर हमें तो ऐसे यकीन नहीं है, हम तो पहले आपका टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि आप कैसा पढ़ाते हैं। बिल्कुल पढ़ाइए, आप अपनी कसौटी पर जब हमें खड़ा उतरे तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। आप जो है पहले बेटा अनलॉक फ्री कंटेंट विद माई कोड, आप क्या कर सकते हैं कि अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके स्पेशल क्लास में जा सकते हैं, और स्पेशल क्लास में आप मेरा कोड डालिएगा QA Live, कासिफ अंसारी लाइव, जहां पर आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीजों को देख सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को जज करने का, आप फ्री क्लासेस पहले लेकर देखिए, मेरा कोड इस्तेमाल करिए QA Live। याद रखिएगा इनवाइट कोड वहां पूछेगा, वहां पर QA Live डाल दीजिएगा। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी के 5 तरीके के, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। देखो बेटा, यहां पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे मैं बता दूं कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 महीने का है। 12 महीने में आप 2 बार CDS, 2 बार FCAT, 2 बार INET, 1 बार CAPF पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में नए हैं और धीरे धीरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो मेरा कोड इस्तेमाल करें QA Live, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट अ 10% फ्लैट डिस्काउंट, याद रखिएगा। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि फीस हाइक होने वाली है 15 जुलाई से, तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट आप ले सकते हैं। और अगर आप CDS CAPF वाले के साथ साथ SSB का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं QA Live, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत शानदार आज की क्लास होने वाली है। टोटल, अब बेटा आपको मालूम है कि टोटल जो हैं 10 न्यूज हैं और 10 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो, चलो भाई शुरू कर दिया जाए, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज हुआ जल्दी बताओ, अरे हुआ क्या है, क्या परेशानी है, बेटा आराम से पढ़ो, कोई परेशानी नहीं, सेशन शुरू किया जाए। तो भाई सब लोग जानते हैं कि क्या किया जाता है, 100+ लाइव और 100+ लाइक तक तो पहुंचाओ, तब मजा आता है बेटा जो है क्लास पढ़ाने में, और उसके बाद जो एनर्जी होती है वो अंदर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, डिफेंस मोटिवेशन NDA 2 जो है आपका सितंबर में है, तो आप जो है बेटा जून 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक करेंगे, तो जून 2020 से अगस्त 2021 तक आपको करना है, 15 महीने का आपको करंट अफेयर करके जाना होता है, जिसमें लास्ट के 6 महीने का सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे पहली खबर यह है, समझिएगा, न्यूज नंबर 1 आज की पहली खबर क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। देखो बेटा एक नया कानून है जिसका नाम है FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब हो क्या रहा है कि बेटा जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, अब आपको मालूम है कि जंगलों में ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। अब जंगलों में क्या होता है, ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और जंगल से बहुत सारे रिसोर्सेज भारत सरकार आजकल गैदर कर रही है। इसके लिए आपने देखा होगा ट्राइफेड ने बहुत सारे जो हैं बेटा चीजें भी खोली हैं, जहां पर जो फॉरेस्ट रिसोर्स की चीजें हैं उनको बेचा जा सके, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उन पर जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार देने की सरकार बात कर रही है। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार चाहती है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको जो है बेटा आगे बढ़ाया जा सके, ट्राइबल पॉपुलेशन का एम्पावरमेंट हो सके और वो लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट बन सके। इसके लिए यहां पर एक कानून आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर डिसाइडेड टू गिव मोर पावर्स टू द ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये देखिएगा। तो ये बहुत बढ़िया खबर है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए वो ट्राइबल कम्युनिटीज को अब ज्यादा अधिकार देगी सरकार, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर
will address the event, which will also attended by the Minister of State for Environment Babul Supriyo and Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta. अब देखिएगा बेटा, so Tribal Affairs Minister आप जानते हैं हमारे देश में श्री अंजू मुंडा हैं, और Environment Minister जो हैं हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं. आप दोनों को जानते ही होंगे, अर्जुन मुंडा को भी जानते होंगे और प्रकाश जावड़ेकर को भी. इन्होंने एक इवेंट को करने जा रहे हैं जहां की जहां पर जो है फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को, जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में. तो ये काफी अच्छी खबर है भारत के लिए, कम्युनिटीज के लिए. तो मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज जॉइंटली डिसाइडेड टू गिव मोर पावर्स टू द ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो देखो बेटा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने हाथ मिलाया है, और उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो हम ट्राइबल कम्युनिटीज को ट्रांसफर कर देंगे. याद रखिएगा, ठीक है? हाँ जी, सुनते रहिए, बहुत बढ़िया है. ठीक है बेटा, देखो मैं आप लोगों से एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं कि बेटा देखो, मेरी क्लास आज से नहीं, आप लोग बहुत समय से कर रहे हो, और मेरी क्लास में एक चीज होती है कि मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं. ठीक है, मैं डबल मीनिंग बातें नहीं करता हूं. मैं कभी, आपने देखा होगा, मैंने कोई भद्दा मजाक नहीं किया है क्लास में. मैं कहां से आया और कहां ज्वाइन हुआ, ये सब चीजें मैं डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक टीचर की गरिमा को शोभा नहीं देता है. कहां पर क्या चीजें हुई और किस कारणवश मैंने यहां पर आया और क्यों ज्वाइन किया, और इसके अलावा आप लोग अपनी तमाम बातें करते हैं, तो मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा. बेटा देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको 400 लाइक और 500 व्यूज और 500 वॉचिंग आता है, 10,000 वॉचिंग आता है, लेकिन मैं भाई 50 बच्चे ही पढ़ाऊंगा, 60 बच्चे ही पढ़ाऊंगा, 100 बच्चे पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी क्लास में होगी पढ़ाई की बात. तो कृपया करके बेटा आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी पर्सनल बातें जो हैं यहां पर मत करें. ना पर्सनल बातें आप खुद करें, ना पर्सनल बातें आप मुझसे पूछें. मैं आपका बेटा एक बड़ा भाई हूं, और मेरा काम है आप लोगों को शिक्षा देना. तो मैं बड़ा भाई हूं आप लोगों के लिए, और मेरा काम है आप लोगों को शिक्षा देना. तो आप लोग मेरे भाई बहन हैं, मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया करें, अपनी पर्सनल बातें यहां पर ना किया करें. ठीक है बेटा, ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट किया करें, ना आपस में लड़ाई लड़ा करें, ना कुछ किया करें. आप एक टीचर हैं, याद रखिएगा. ठीक है, हाँ जी, आप एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का कर्तव्य सिर्फ एक है, उसे ना इधर देखना है ना इधर देखना है, उसे सिर्फ एक तरफ फोकस करना है, और उसका एम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना. तो बस मेरा भी एक ही मकसद है, आपको उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं एक ब्रिज हूं. तो यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर आपकी सक्सेस खड़ी है, बीच में मैं हूं. तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक ब्रिज हूं, जो कि मैं आपको यहां से उठाकर आपको ऑफिसर बनाने के सपने को पूरा करूंगा. तो बस आप बस मेरे साथ लगे रहिए. प्लीज क्लास में बातें मत किया करिए, कोई रिलेवेंट चीज हो तो जरूर बात करें, लेकिन इररिलेवेंट चीजों पर आप अपना टाइम वेस्ट ना किया करिए. ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, दो लोग इसमें जुड़े हुए हैं. अ जॉइंट कम्युनिकेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन साइंड, व्हिच पर्टेन्स टू द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, व्हिच इज कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारे देश में पास हुआ था सन 2006 में, उसमें ही याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो है एक जॉइंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो जंगल के रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट के लिए जो जंगल में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादा अधिकार सरकार द्वारा दिए जाएंगे. द एक्ट रिकॉग्नाइजेज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन द फॉरेस्ट लैंड इन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज and other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for generation but whose right could not be recorded. It provided a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting respect of forest land. The act identifies four types of rights: title rights, use rights, relief and development rights and forest management rights. So char tarah ke rights sarkar yahan par de rahi hai. चार तरह के राइट्स यहां पर दिए जाएंगे. पहला है बेटा टाइटल राइट्स, मतलब कि जो जिस जमीन पर अपना काम कर रहा है वो जमीन उसके नाम की जाएगी, टाइटल्स दिए जाएंगे.
यूज राइट मतलब उस जमीन को इस्तेमाल करने का इस्तेमाल हो यूज अधिकार होगा, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स उस जमीन पर रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स मिलेंगे, और उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। तो चार तरह के राइट्स यहां पर बात की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन को एम्पावरमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, फास्ट पहली खबर हो गई, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। दूसरी खबर पर आते हैं। अब देखो बेटा, न्यूज नंबर टू क्या है, दूसरी खबर है 5 पोर्टल्स लॉन्च्ड ऑन आयुष सेक्टर। अब देखो बेटा, अब आयुष के बारे में तो आप जानते ही होंगे बेटा, ठीक है, आयुष आप सबको मालूम है, तो आयुष मंत्रालय के बारे में भी आपने सुना होगा। अब होता क्या है, आयुष मंत्रालय हमारे देश में क्यों शुरू किया गया था आपको मालूम है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक प्राचीन देश है, और प्राचीन समय से हमारे देश में आयुर्वेद जो है वो बहुत पॉपुलर रहा है। आज भी याद रखिएगा, मॉडर्न समय में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बड़े अच्छे इलाज जो है आयुर्वेद में ऑलरेडी हैं। अब होता क्या है कि भारत सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की शुरुआत की थी, ये तो सबको मालूम होगा। अब होता क्या है कि उस पर 5 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं आयुष सेक्टर पर, देखते हैं। सो मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री किरण रिजिजू लॉन्चेस 5 इंपॉर्टेंट पोर्टल्स ऑन आयुष सेक्टर, ऑल आयुष स्टेक होल्डर्स टू बी बेनिफिटेड बाई दिस इनिशिएटिव। अब देखो, आयुष सेक्टर में 5 नए पोर्टल शुरू किए गए हैं, और इन पोर्टल्स को किसने शुरू किया है, जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री किरण रिजिजू, बहुत ही फेमस हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और भाई साहब अरुणाचल प्रदेश के हैं, और इतनी शानदार हिंदी बोलते हैं कि मैं सच में बताऊं तो उनकी हिंदी से कायर हूं, इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स भी रह चुके हैं किरण रिजिजू, अभी आजकल जो है आयुष मंत्रालय देखते हैं, याद रखिएगा। सो अब होता क्या है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉन्च्ड इंपॉर्टेंट पोर्टल्स ऑन आयुष सेक्टर, तो आयुष सेक्टर में 5 नए पोर्टल्स आए हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है ई मेधा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर मोर देन 12,000 इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स थ्रू NIC ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म। तो अब होता क्या है कि आप आयुर्वेद की पुरानी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है ई मेधा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल है, जहां पर 12,000 इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स उपलब्ध होंगी, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा है अमर, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी पोर्टल, दिस पोर्टल इज ऑफ इमेंस वैल्यू एंड इट हैज डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन ऑन रेयर एंड हार्ड टू फाइंड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कैटलॉग्स ऑफ आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा एंड इन लाइब्रेरीज और इन इंडिविजुअल कलेक्शन अक्रॉस इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब होता क्या है कि बहुत प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं योगा में, सिद्धा में, यूनानी साइंसेज में, तो उसके जो कंटेंट है वो बहुत कम अवेलेबल है, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो पांडुलिपियां होती हैं बहुत कम उपलब्ध हैं। इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है अमर, ताकि आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी। तीसरा है SHAI, जिसका नाम है शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, दिस पोर्टल शोकेस इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल, बोटानिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर्स, साइकोलॉजिकल सोर्सेज एंड एडवांस आर्कियोजेनेटिक स्टडीज। ठीक है बेटा, तो ये एक तरह का रिसर्च पोर्टल है। CCRAS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। सो ये RMIS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ ICMR एंड CCRAS, दिस पोर्टल विल वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेद बेस्ड स्टडीज। तो अब याद रखिएगा कि आयुर्वेद में आप स्टडीज करना चाहते हैं तो उसमें भी एक रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। और CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, CTRI इज अ प्राइमरी रजिस्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, क्रिएशन ऑफ आयुर्वेद डेटा सेट इन सिटी ऑफ यूज ऑफ आयुर्वेद टर्मोलॉजीज एंड रिकॉर्ड क्लिनिकल स्टडीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इंटरवेंशन। ठीक है, तो 5 नए पोर्टल इंस्टॉल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, ई मेधा है, अमर है, SHAI है, RIMS है, और उसके अलावा CTRI है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं और जो रिसर्च वगैरह में हिस्सेदारी करना चाहते हैं या कुछ आयुर्वेद के बारे में पुराना पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा पोर्टल है। 5 नई चीजें लॉन्च की गई हैं ये आपके आयुष सेक्टर पे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, फास्ट जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ फास्ट। जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया फास्ट, यहां तक क्लियर है। जल्दी भाई साहब लाइक और शेयर। भाई अभी तक तो सिर्फ 40-42 लोग ही हैं, फटाफट यार इसे आगे बढ़ाओ आप लोग। ठीक है, अब ये देखो, नेशनल आयुष मिशन आपको मालूम है हमारे देश में सन 2014 में शुरू किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर था, याद रखिएगा। तो ये सब बेसिकली हमारे देश में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के लिए ये बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा न्यूज नंबर 3, जिसका नाम है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। भाई साहब ये तो सुना होगा, कोविन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आजकल आप लोग इसका इस्तेमाल बहुत कर रहे होंगे। तो कोविन ऐप तो आपने देखी होगी बेटा। तो कोविन ऐप क्या है? यही वो ऐप है जहां पर आप अपने जो हैं कहते हैं ना कि आप अपनी जो है वैक्सीनेशन के डोज के लिए जो है अप्लाई करते हैं, तो यहीं से आपको शेड्यूल मिलता है, याद रखिएगा, कोविन ऐप के थ्री। तो अब होता क्या है, कोविन कॉन्क्लेव हुआ है, आइए देखते हैं। पीएम एड्रेसेस कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव एज इंडिया ऑफर्स कोविन प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू द वर्ल्ड टू कॉम्बैट कोविन-19। तो अब होता क्या है कि भाई भारत सरकार ने अच्छा एक ऐप बनाया है, कोविन ऐप। अब भारत सरकार ने कहा है कि अगर दुनिया में कोई इसकी मदद चाहता है और ये चाहता है तो हम दुनिया के किसी भी देश को ये ऐप देने को तैयार हैं। तो पूरी दुनिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इसे ओपन कर दिया। ऑब्वियसली हमारे देश जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब, वो फॉरेन अफेयर्स के लिए अपने काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और उनके वजह से ही भारत की छवि जो है विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से जो कोविन ऐप है जिस पे हमारे डेली जो हैं करोड़ों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं डेली हमारे देश में टीकाकरण करवा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी ऐप है, इतना बड़ा रिपोजिटरी मेंटेन किया है। तो अब कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने दुनिया के लिए इसे ओपन कर दिया है। कोविन प्लेटफॉर्म इज बीइंग मेड ओपन सोर्स अवेलेबल टू एनी एंड ऑल अदर कंट्रीज। तो याद रखिएगा, कोविन प्लेटफॉर्म जो है उसे ओपन सोर्स कर दिया और दुनिया में कोई भी देश इसका इस्तेमाल कर सकता है। विद नियरली 200 मिलियन यूजर्स द आरोग्य सेतु ऐप इज रेडिली अवेलेबल पैकेज फॉर डेवलपर्स, याद रखिएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है, कोविन प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने आज पब्लिक कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया है, ताकि दुनिया के कोई छोटे मोटे देश जो होते हैं जिनके पास अपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं इतनी बढ़िया तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव वर्चुअली एज इंडिया ऑफर्ड कोविन प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू द वर्ल्ड टू कॉम्बैट कोविड-19। तो याद रखिएगा, ये कोविन प्लेटफॉर्म तो आपने देखा ही होगा, याद रखिएगा, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन से जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन के शेड्यूल के लिए कौन सी ऐप बनाई थी। तो कोविन ऐप बनाई थी भारत सरकार ने, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, ओके, हैव यूज बाय डिफरेंट कंट्रीज, जी हाँ। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, शेड्यूल द वैक्सीनेशन स्लॉट्स एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स, देयर स्टोरेज टेम्परेचर एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रैकिंग ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। The platform will be used for recording vaccine data and will form a database of healthcare workers too. All COVID-19 related data necessary for the delivery of the vaccine is presently being uploaded on the Cowin platform. To augment and simplify the process of registration and vaccination, the Ministry of Health and Family Welfare introduced Cowin 2.0. So, याद रखिएगा, ये Cowin app काफी important app है और भारत सरकार ने इसे open source कर दिया है, ताकि दुनिया के और भी देश इसका इस्तेमाल करके अपने देश में कोविड-19 की लड़ाई को और बेहतर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी खबर है, ये देखिएगा, ONDC है, ONGC तो सुना है, ये ONDC क्या है? हाँ जी बेटा, ये ONGC जैसे होता है ना वैसे ONDC भी होता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, याद रखिएगा। सो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, याद रखिएगा, बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे आप QCI कहते हैं, याद रखिएगा, सेटिंग अप एन एडवाइजरी काउंसिल फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे ONDC कहते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आइए देखते हैं।
वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री आर सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल न्यू ईयर टुडे इन द फॉर्म ऑफ उगाडी, गुडी पड़वा, चैत्र जिसे चैत्र सुक्लाडी, चेटी चंद, विशु, पुठंडू एंड बोहाग बिहू, याद रखिएगा, ठीक है। द टास्क हैज बीन असाइंड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ONDC aims to promoting open networks developed on open source methodology using open specification and open network protocols independent of any specific platform. ONDC is expected to utilize the entire value chain, standardize operations, promote inclusion to suppliers, derive efficiency, logistic, enhance value for consumers. अब बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली हमारे देश में ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क डिजिटल, सॉरी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, याद रखिएगा। तो होता क्या है कि हमारे देश में अब जानते हैं कि डिजिटल भारत की बात हमेशा होती रही है और हमारे देश में हमें इकोनॉमी को डिजिटलाइज भी करना है, तो डिजिटल इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सपना है, तो डिजिटल इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है। अब होता क्या है कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में जो डिजिटल कॉमर्स है उसको सरकार बढ़ावा दे। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बना दिया है, ताकि हमारे देश में जो वैल्यू चेन है, ऑपरेशंस है, लॉजिस्टिक्स है, इसको सरकार ने ओपन कर दिया ताकि सारे लोग जो हैं इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये बस ऐसे ही नॉर्मल खबर थी। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा बेटा, पांचवी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैन स्वामी, ये देखिएगा स्टैन स्वामी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट खबर आपके एग्जाम के लिए। अ ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट सेक्शन 43(d)(5) ऑफ UAPA इन न्यूज, ये देखिएगा, स्टैंड टेररिस्टली फाउंड फॉर जल, जंगल एंड जमीन। आपने सुना होगा एक एक्टिविस्ट के बारे में जिनका नाम है, याद रखिएगा, स्टैन स्वामी के बारे में। तो स्टैन स्वामी नाम के एक एक्टिविस्ट थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, और याद रखिएगा इन्होंने तीन चीजों के लिए लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था जल, जंगल और जमीन। तो जल, जंगल और जमीन, ये तीन चीजें जो हैं, इन्होंने ट्राइबल्स के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, याद रखिएगा, इनकी मौत हो गई है। तो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जल, जंगल और जमीन को लेकर के काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे ट्राइबल लोगों के लिए। सो जस्ट टू डेज बिफोर हिज डेथ स्टैन स्वामी हैड मूव्ड बॉम्बे हाईकोर्ट चैलेंजिंग सेक्शन 43(d) ऑफ द अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, अ प्रोविजन स्वामी टर्म्ड इलजरी। The provision makes grant of bail virtually impossible under the UAPS and it leaves little room of judicial reasoning. ये देखेगा। So, आपने सुना होगा बेटा एक कानून है हमारे देश में जिसे UAPA कहा जाता है, ठीक है। अब आपने जैसे पोटा वगैरह सुना होगा, पहले हमारे देश में कानून हुआ करता था जिसे NSA कहा जाता था, जिसे आप रासुका भी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बाद में कानून आया, आपने सुना होगा पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। उसके बाद उस कानून को और मॉडिफाई करके के UAPA बनाया गया, अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, आपने सुना होगा। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्टैन स्वामी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे अपनी मौत से दो दिन पहले और उन्होंने कहा था सेक्शन 43(d)(5), तो सेक्शन 43(d) सब सेक्शन 5 जो UAPA का है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ये सेक्शन किसी के ऊपर लगा दिया जाता है 43(d)(5) तो उस कंडीशन में बेल मिलना वर्चुअली जो है इम्पॉसिबल हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, याद रखिएगा। ही वॉज अ प्रीस्ट फॉर 51 years एंड टायरलेसली फाउट फॉर वॉटर, फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर ट्राइबल पीपल। द UAPA इनएक्टेड इन 1967 वॉज स्ट्रेंथेंड बाय द कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट इन 2008 एंड 2012। The test for denying bail under the UAPA is that the court must be satisfied that a prima facie case exists against the accused. In 2019, the Supreme Court defined prima facie narrowly to mean that the courts must not analyze evidence or circumstances but look at the totality of the case presented by the state. Section 43(d)(5) reads, notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offense punishable under the chapter 4 and 6 of this act shall in custody be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has given an opportunity of being heard on the application for such release. So, bhaiya, ye kaafi खतरनाक है, याद रखिएगा, ये इतना इजी नहीं है। तो UAPA का सेक्शन 43(d), याद रखिएगा, सेक्शन 43(d) का जो सब सेक्शन 5 है
वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया इस सेक्शन के तहत तो उस कंडीशन में बेल मिलना वर्चुअली जो है बहुत इंपॉसिबल हो जाता है यूएपीए के तहत। अब होता क्या है कि ये जो हमारे स्वामी जी थे जिनका नाम है बेटा स्टैन स्वामी, जो कि एक प्रीस्ट थे 51 साल के लिए, 51 साल तक ये बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे कि इस कानून को ये भैया हटा दिया जाए, क्योंकि ये इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बेल मिलना जो है याद रखिएगा वो बहुत ही टफ हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसी वजह से इसको हटाने की जो है बात करने के लिए वो गए थे, लेकिन फाइनली उनकी मौत भी हो गई, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, याद रखिएगा, तो स्टैन स्वामी याद रखिएगा। हां जी, आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 6 आती है, ये देखिएगा, डिस्क्रीट ऑरोराज इन न्यूज, ग्लोइंग एटमॉस्फेरिक लाइट्स, ये देखो बेटा बहुत ही फेमस है। तो बेटा आपने ऑरोराज के बारे में तो सुना होगा, ऑरोराज के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे पोल्स पर दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा ये पोल्स होते हैं ना बेटा, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो हाई लैटिट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर ये दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। ऑरोराज मतलब आसमान बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में बहुत सारी रोशनी हो गई है, याद रखिएगा, ये ऑरोराज कहा जाता है। लेकिन ये अगर आप वर्ल्ड में जाएंगे तो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह के जो हाई लैटिट्यूड एरियाज हैं वहां पर दिखाई देता है। यूएई का एक मिशन है, मार्स मिशन, आपने सुना होगा, होप मिशन बहुत ही फेमस है। तो यूएई का जो मार्स मिशन है जिसका नाम है होप मिशन, आपको मालूम है वो काफी समय से जो है मार्स पर है, और उसने एक बहुत यूनिक चीज देखी है कि मार्स पे हाई लैटिट्यूड्स को छोड़िए बल्कि पूरे प्लैनेट्स पे ऑरोराज दिखाई देते हैं। ये अपने आप में याद रखिएगा एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी किस मिशन ने जो है मार्स पर ऑरोराज को देखा था, तो यूएई का जो होप मिशन है उसने देखा था। या पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर पूरे प्लैनेट पर ऑरोराज दिखाई दिए जाते हैं, ब्राइट लाइट्स दिखाई दी जाती हैं, तो ये बेटा जो है मार्स प्लैनेट है और इसको देखा है यूएई के होप मिशन ने। तो यूएई होप स्पेस क्राफ्ट विच इज ऑर्बिटिंग मार्स सिंस फरवरी दिस ईयर हैज कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ ग्लोइंग एटमोस्फेरिक लाइट्स इन द रेड प्लैनेट्स नाइट स्काई नोन एज डिस्क्रीट ऑरोराज। ये देख सकते हैं बेटा कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो कितनी ब्राइट लाइट यहां पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सो आप देख सकते हैं यूएई का होप स्पेसक्राफ्ट जो कि मार्स पर फरवरी से है, उसने ग्लोइंग एटमॉस्फेरिक लाइट को कैप्चर किया है, याद रखिएगा, मार्स से, जिसे डिस्क्रीट ऑरोराज कहा गया है। द डेटा गैदर्ड बाई द ऑर्बिटर इंक्लूड फार एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ऑरोराज एमिशंस विच हैव नेवर बीन इमेज्ड बिफोर एट मार्स। अनलाइक ऑरोराज ऑन अर्थ विच आर सीन ओनली नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, डिस्क्रीट ऑरोराज आर मार्स सीन ऑल अराउंड द प्लैनेट एट नाइट टाइम। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑरोराज हैं वो बकायदा पूरे प्लैनेट पर दिखाई देते हैं रात के समय में। So what is the Hope orbiter staring? The Hope probe, the Arab world's first mission to Mars, took off from the Earth in July last year and has been orbiting the red planet since February. The primary objective of the mission is to study Martian weather dynamics. So basically, ये Mars के जो weather dynamics है उसको पढ़ने के लिए गया था, और Mars आपको मालूम है हमारा जो है उसे red planet भी कहा जाता है क्योंकि वहां बहुत भारी मात्रा में FeO मतलब iron oxide पाया जाता है, इसीलिए वो red planet के नाम से जाना जाता है। So, याद रखिएगा कि मार्स पे रात के समय में पूरे प्लैनेट पर ऑरोराज दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी खबर है, याद रखिएगा। ये देखिएगा बेटा न्यूज नंबर 7, IAF टू प्रोक्योर 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये देखिएगा भाई साहब, ये डिफेंस वालों के लिए काफी बड़ी खबर है, याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स जो है 10 एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। अब ड्रोन्स तो आप जानते ही हैं भैया, ये भाई साहब यूएवी भी कहा जाता है, इन्हें यूएवी भी कह सकते हैं, यूएवी अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये एक तो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, जल्दी रडार वगैरह में आते नहीं हैं, अमेरिका वगैरह इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, बम गिराने में, सर्विलेंस वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने सुना होगा जो पिछले साल कितना बवाला हो गया था, ईरान के जो मेजर जनरल हैं कासिम सुलेमानी उनको मारने के लिए भी जो है बेटा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका द्वारा, याद रखिएगा। तो आई एफ टू प्रोक्योर 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन द
बॉर्डर एरियाज, तो बॉर्डर एरियाज में ज्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। आफ्टर ड्रोन अटैक एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, द फोर्स हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर 10 एंटी ड्रोन सिस्टम टू स्टॉप सच अटैक्स इन फ्यूचर ऑन द बॉर्डर एरियाज। सो इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है बेटा जम्मू में, वहां पर आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जो है ड्रोन से हमला किया गया था। सो उस चक्कर में इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि भैया हम 10 एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज को हमारे देश में प्रोटेक्ट करने के लिए। Following a drone attack at Indian Air Force Station in Jammu, Air Force decided to procure 10 anti-drone systems in order to stop such attacks in future across the border areas. Yaad rakhiyega. Counter Unarmed Aircraft System CUAS can be armed with laser-directed energy weapons to bring down rogue drones. So, Counter Unarmed Aircraft System, जिसका नाम होगा CUAS, याद रखिएगा, इसे लगाया जाएगा, इसमें लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होंगे और ये जो है बेटा ड्रोन्स को मार गिराने में काफी मदद करेगा। याद रखिएगा, CUAS इज इंटेंडेड टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, ट्रैक, डेजिग्नेट एंड न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल UAS, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा, डेजिग्नेट करेगा और जरूरत पड़ेगी तो उसे न्यूट्रलाइज भी करेगा। लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे लेजर DUW भी कहते हैं, इज रिक्वायर्ड ए स्किल ऑप्शन, ठीक है। तो सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विप्ड विद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जैमर सिस्टम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स एज सॉफ्ट किल ऑप्शन, व्हाइल लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एज हार्ड किल ऑप्शन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द ड्रोन्स। तो याद रखिएगा, सो काफी अच्छी चीज है। तो यहां पर इस्तेमाल क्या किया जाएगा, काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे CUAS कहा जाता है, और इसमें जो है बेटा याद रखिएगा, हाई एनर्जी लेजर गाइडेड जो है सिस्टम्स लगाए जाएंगे, वेपन्स लगाए जाएंगे, ताकि जो कोई भी ड्रोन अगर हमारे बॉर्डर एरिया में देखा जाए तो उसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो उसे न्यूट्रलाइज करके मार भी गिराया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है। फटाफट भाई साहब लाइक बटन जरूर दबाइएगा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो। अभी तक बेटा 55 लाइव हैं और 45 लाइक हैं, क्या बात है। तो 55 लाइव और 45 लाइक, तो 55 और 45 को मिला दें तो हो गया 100 हैं। इतनी अच्छी बात मैंने कह दी है तो गलत बात हो गई। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल संकेत साहब, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर लाइक स्प्राइट, बहुत अच्छे, शाबाश। अगली खबर पे आते हैं, न्यूज नंबर 8, इंडियन फ्लैग बियरर्स एट टोक्यो ओलंपिक्स। आपको मालूम है COVID-19 भैया अपने चरम पर है, लेकिन फाइनली जापान की सरकार भी अड़ी हुई थी कि भैया देखो हम टोक्यो ओलंपिक्स कराएंगे, पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है क्योंकि ओलंपिक्स जो है पूरे एक साल जो है डिले हो चुका है ओलंपिक्स, जिसके वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बेटा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इसी वजह से अब सरकार ने कहा था भैया अब तो हम ओलंपिक करवाएंगे, चाहे थर्ड वेव आए चाहे फोर्थ वेव आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवेज तो भाई साहब भारत से 3 लोग चुने गए हैं, 2 लोग जो हैं बेटा ओपनिंग सेरेमनी के लिए और 1 व्यक्ति जो है क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन है। तो मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह टू बी इंडियाज फ्लैग बियरर एट टोक्यो ओलंपिक। तो मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता है बेटा, हमारे देश के एक बॉक्सर हैं, शानदार बॉक्सर हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए हमें गौरवान्वित किया है, इस समय राज्यसभा से एमपी भी हैं। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह आप जानते होंगे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, याद रखिएगा, टू बी इंडियाज फ्लैग बियरर एट द टोक्यो ओलंपिक्स, याद रखिएगा। और हमारे देश के जो रेसलर हैं जिनका नाम है बजरंग सिंह पूनिया, वो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रहेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी में 2 लोग रहेंगे जिसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहेंगे, मैरी कॉम बॉक्सिंग से और मनप्रीत सिंह हॉकी से, और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग सिंह पूनिया जो कि हमारे रेसलर हैं, याद रखिएगा, वो रहेंगे। सो बॉक्सर एमसी मैरी कॉम एंड मेंस हॉकी टीम स्किपर मनप्रीत सिंह हैव बीन नेम्ड फॉर द फ्लैग बियरर एट टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी फ्रॉम इंडिया, याद रखिएगा। सो टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में भारत के तरफ से फ्लैग बेरर 2 रहने वाले हैं, जिसमें एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। रेसलर बजरंग पूनिया विल बी द फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी, याद रखिएगा। आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड
also decided that there should be at least one female and one male athlete in each 206 teams and IOC refugee Olympic team which are participating games of the Olympiad. Yaad rakhiyega, theek hai. International Olympic Committee is a non-governmental sports organization headquartered in the Lausanne, Switzerland. Yaad rakhiyega, theek hai. ठीक है, और याद रखिएगा, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन अंडर द स्विस सिविल कोड इन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 6079 आईओसी वॉज फाउंडेड पेरी डी कॉबर्टिन एंड डेमोस्ट्रेट वैकेंसी इन द ईयर 1894. दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मॉडर्न समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स. आईओसी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज. तो आईओसी जो है बेटा नेशनल ओलंपिक कमेटी की गवर्निंग बॉडी है. और याद रखिएगा, आईओसी की शुरुआत, वैसे इसकी शुरुआत 1894 में हुई थी, क्योंकि आपको मालूम है कि पहला मॉडर्न डे ओलंपिक्स दुनिया में 1896 में खेला गया था. कहां पर? एथेंस में. याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों. आगे नंबर 9, ये देखिएगा बेटा, यूनिटी 22 मिशन. श्रीषा बंडला इन न्यूज, आपने सुना होगा, श्रीषा बंडला के बारे में आपने सुना होगा. तो श्रीषा बंडला ये बेटा भारतीय महिला हैं. तो श्रीषा बंडला टू बिकम सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस, नो ऑल अबाउट द यूनिटी 22 मिशन. ये आपके लिए बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा. तो श्रीषा बंडला, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है. तो यूनिटी 22 विल बी द वर्जिन गैलेक्टिक्स नेक्स्ट रॉकेट पावर्ड टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स स्पेसशिप वीएसएस यूनिटी. याद रखिएगा, तो याद रखिएगा बेटा, यूनिटी 22 विल बी द वर्जिन गैलेक्टिक्स नेक्स्ट रॉकेट पावर्ड टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स स्पेसशिप वीएसएस यूनिटी. उसमें जो है भारतीय भी जाएंगी. दिस इज सिग्निफिकेंट एज श्रीषा बंडला विल बी द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. तो कल्पना चावला आप जानते हैं सबसे पहली थी, जो कि बेटा एक कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में शहीद हो गई थी. उसके बाद जो है बेटा आपकी सुनीता विलियम्स भी गई थी, और उसके बाद अब हमारी जो है ये श्रीषा बंडला है. याद रखिएगा, ठीक है, हाँ जी, याद रखिएगा. एज पार्ट ऑफ द मिशन द क्रू विल बी फ्लाइंग टू द एज ऑफ द स्पेस ऑन जुलाई 11 ऑन बोर्ड द यूनिटी रॉकेट शिप डेवलप्ड बाय द वर्जिन गैलेक्टिक. This will be the 72nd mission of the VSS Unity. It will also be the first to carry a full crew of 2 pilots and 4 mission specialists in the cabin, including Virgin Group founder Richard Branson, who will be testing out the private astronaut experience. Unity 22 will focus on testing the cabin and customer experience. Yaad rakhiyega. To ab jante hain beta, duniya aage badh rahi hai, aur duniya aage badh rahi hai, to aap samajh sakte hain ki duniya mein ab jo hain log jo hain dheere dheere space mein bhi jana shuru ho jayenge. भाई जिनके पास पैसा है लोग लंदन और यूरोप घूमने जाते हैं. आप जो हैं, अब आपके पास पैसा है तो आप स्पेस भी घूमने जाएंगे. तो वर्जिन अटलांटिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, दुनिया की बहुत ही फेमस कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, जिसके हेड जो हैं रिचर्ड ब्रांसन साहब हैं, जिनकी नकल हमारे विजय माल्या जी करा करते थे. तो विजय माल्या जी को रिचर्ड ब्रांसन ऑफ इंडिया ही कहा जाता था, आपने सुना होगा, याद रखिएगा. तो उनकी फ्लाइट है, याद रखिएगा. तो इसमें जो है बेटा, याद रखिएगा कि हमारे भारतीय हैं श्रीषा बंडला, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है. और आखिरी खबर है श्री चेटूर शंकरन नायर. सर चेटूर शंकरन नायर के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज नंबर 10. हु वॉज सर चेटूर शंकरन नायर हु टुक ऑन द ब्रिटिश इन देयर ओन कोर्ट्स. याद रखिएगा, ठीक है, हाँ जी, याद रखिएगा, सर चेटूर शंकरन नायर. ये देखिएगा, अब बायोपिक ऑन सर चेटूर शंकरन नायर विल बी प्रोड्यूस. It will be based on the book The Case That Shook the Empire written by Raghu Palat and Pushpa Palat in 2019. तो याद रखिएगा, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है चेटूर शंकरन नायर. ये अंग्रेजों के समय में थे और इन्होंने जो है बड़े तगड़े फैसले सुनाए थे. इनकी ऊपर बायोपिक बनने जा रही है, जिसको बनाएंगे, याद रखिएगा. ये बायोपिक किताब पर है जिसका नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर, जिसको रघु पालट और पुषा पालट ने 2019 में लिखा था इन्हीं के ऊपर. बॉर्न इन द ईयर 1857 इन मनकारा विलेज ऑफ मालाबार पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, नोन फॉर बीइंग अ पैशनेट एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड फर्म बिलीवर इन द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया, ही वॉज वन ऑफ द अर्ली बिल्डर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म 1885. इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड हिम एज अ मेंबर ऑफ द रैलीग यूनिवर्सिटी कमीशन.
In 1904, he was appointed as the companion of the India's empire by the King Emperor 19, he was knighted. 1919, as a part of the Viceroy Executive Council, he played an important role in expansion of provision of Montague Chancery Fort. In the Budasana versus Fatima, he passed a radical judgment when he ruled that those who converted to Hindus cannot be treated as outcast. Yaad rakhega. To hota kya tha? कि पहले जो लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते थे उन्हें जो है जाति से बाहर का मान लिया जाता था, उनका मतलब एक तरह से जाति निकाला कर दिया जाता था। तो एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसका नाम था बुदासना वर्सेस फातिमा केस 1914 में, जिन्होंने जिस समय जो अंग्रेजों का कानून था वो भी इसी के सपोर्ट में था कि हाँ भाई जो लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट होंगे उनको कास्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट कहा और उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। और याद रखिएगा इन्होंने कहा कि दोज हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आउटकास्ट। तो याद रखिएगा उन्हें आउटकास्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, माना जा सकता है। तो ये हो गया भैया आज के हमारे 10 क्वेश्चन, कैसे रहे जल्दी बताइएगा। आज की हमारी 10 न्यूज हो गई, कैसा हो गया बताओ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो इनके ऊपर बायोपिक बनने जा रही है याद रखिएगा, जिनका नाम है सर चेटूर शंकरन नायर, याद रखिएगा ठीक है। तो काफी फेमस व्यक्ति हैं और इन्हें नाइटहुड भी मिला था 1912 में। नाइटहुड का मतलब होता है किसी नाम के आगे सर लगना, तो उसे नाइटहुड माना जाता है। जल्दी बताओ क्लियर है, अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर लें। यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ भैया फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करे जाए। आप लोग जो हैं फटाफट बताया करते रहा करिए, जितना जल्दी आप बताएंगे उतना ज़्यादा हम तेज काम करेंगे, क्योंकि आप जब धीरे धीरे बताते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। अब 10 क्वेश्चन हमें करने हैं फटाफट, अब 10 क्वेश्चन कर लिए जाएं ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सबको फास्ट, ओके शाबाश। चलो भाई Which ministry या ministries have recently decided to give more powers to the tribal communities in managing the forest resources? Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Environment, Ministry of Coal and Minerals, both A and B। जल्दी बताओ fast। तो भैया forest resources पर forest communities के जो tribal लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी आज ही मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही important है, FRA के तहत, जिसे forest राइट्स एक्ट कहा जाता है, जो 2006 में हमारे देश में पास हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे जो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा। हाँ जी, नेशनल आयुष मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर 2012-14-15-16। आपको मालूम है नेशनल आयुष मिशन के तहत 5 नए पोर्टल इस्तेमाल स्टार्ट किए गए हैं। जो लोग आयुर्वेद में, योगा में, सिद्धा में, यूनानी में, नेचुरल साइंसेज में विश्वास रखते हैं उनके लिए आयुष बहुत अच्छा पोर्टल है। उसमें 5 नए पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं। तो जल्दी बताइए हमारे देश में नेशनल आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? 2014 में भैया, 2014 में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष को काफी आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द कोविन प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म विल नॉट बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैक्सीन डेटा। दिस प्लेटफॉर्म विल फॉर्म अ डेटाबेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कोविन प्लेटफॉर्म, आपको मैंने पढ़ाया है कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविन कॉन्क्लेव जो हुआ है, ग्लोबल कॉन्क्लेव, उसको वर्चुअली अटेंड किया और वहां पर उन्होंने काफी सारी चीजें बताई, याद रखिएगा। सो अब यहां पर देखिएगा, द प्लेटफॉर्म विल नॉट बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग वैक्सीन डेटा। बेटा बिल्कुल गलत है, वैक्सीन डेटा तो रिकॉर्ड होगा ही, और याद रखिएगा हेल्थ केयर वर्कर्स का जो है एक डेटाबेस भी बन रहा है। राइट आंसर 2 ओनली हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी सेटअप बाय विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी आपको बताया था आज ONDC के बारे में। हाँ जी वही, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जल्दी बताइएगा। हाँ जी फास्ट। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ जी शाबाश। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable under chapter 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail on
his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release. Is the statement of the article. कौन से article के लिए है? आपने सुना होगा स्वामी जी हैं जिनकी मौत हो गई, जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटिशन डाली थी इस एक्ट को हटाने के लिए, इस एक्ट के सेक्शन को. तो सेक्शन 43(d)(5) याद रखिएगा. हाँ जी, ये UAPA का सबसे खतरनाक प्रोविजन है जिसके तहत जो है आपको बेल मिलना बहुत ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, याद रखिएगा. हाँ जी, तो अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट याद रखिएगा. हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द होप स्पेस क्राफ्ट. द होप प्रोब इज द अरब वर्ल्ड्स थर्ड मिशन टू मार्स. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन स्टडी मार्शियन वेदर डायनेमिक्स. आपने सुना होगा बेटा होप स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जिसने मार्स पर जो है ऑरोरास को देखा है, मतलब पूरे प्लैनेट पे, ये नहीं कि आपने सिर्फ पोल्स पर देखा है बल्कि पूरे प्लैनेट पे ऑरोरास को देखा गया था. ठीक है, तो होप प्रोब इज द अरब वर्ल्ड्स थर्ड मिशन टू मार्स याद रखिएगा. तीसरा मिशन है मार्स पे, बिल्कुल गलत है याद रखिएगा. ये फर्स्ट मिशन है याद रखिएगा. ये बिल्कुल सही है, टू ओनली इज द राइट आंसर. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अरब वर्ल्ड का ये पहला मिशन था याद रखिएगा. हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. हाँ जी, इट कैन बी आर्म्ड विद लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स टू ब्रिंग डाउन रूग ड्रोन्स. इट इज इंटेंडेड टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, ट्रैक, डेजिग्नेट एंड न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. जल्दी बताइएगा. हाँ जी, काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. हाँ जी, आपने सुना होगा CUAS, काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. हाँ जी, इट कैन बी आर्म्ड विद लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स टू ब्रिंग डाउन द रूग ड्रोन्स. बिल्कुल सही है. इट इज इंटेंडेड टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, ट्रैक, डेजिग्नेट, न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर. सो ए एंड बी दोनों सही हैं. क्वेश्चन नंबर 7-8. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी विच इज अ नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन DC, जिनेवा या टोक्यो. जल्दी बताइएगा. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आपको मालूम होना चाहिए. हाँ जी, IOC, जिसकी शुरुआत 1894 में हुई थी याद रखिएगा. यह लॉसेन नाम का एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहां पर है याद रखिएगा. तो लॉसेन नाम का शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर स्थित है याद रखिएगा. आगे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू गो टू स्पेस. कमला हैरिस, सुशीला बंडला, सुनीता विलियंस, कल्पना चावला. फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट इंडियन. हाँ जी, अभी आपको मालूम है तीसरी भारतीय जा रही हैं Unity 22 नाम के स्पेसक्राफ्ट में जो वर्जिन गैलेक्टिक का है याद रखिएगा. हाँ जी, तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू गो टू स्पेस, तो पहली भारतीय ओरिजिन महिला जो स्पेस में गई कौन सी थी याद रखिएगा, वो थी कल्पना चावला. पहली जो थी ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये है. ठीक है, शाबाश. और आखिरी क्वेश्चन है, द बुक द केस दैट शुक द एम्पायर इज रिटन बाय रघु पालट, पुष्पा पालट, शंकर नायर, बोथ ए एंड बी. हाँ जी बेटा, ये किताब जो है शंकर नायर जी के ऊपर है याद रखिएगा, ये तो आपको मालूम है. तो शंकर नायर जी के ऊपर ये किताब है, द केस दैट शुक द एम्पायर याद रखिएगा. ये बहुत ही फेमस किताब है, 2019 में इसे लिखा था याद रखिएगा. इस किताब को लिखा है रघु पालट, पुष्पा पालट दोनों ने याद रखिएगा. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. तो रघु पालट और पुष्पा पालट ने किताब लिखी है याद रखिएगा, बोथ ए एंड बी 2019 में. अब इनके ऊपर बायोपिक बनने जा रही है शंकर नायर जी के ऊपर, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे. तो ये हो गया भाई आज का करंट अफेयर्स. कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सब लोग लाइक बटन जरूर दबाइएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग थोड़े बहुत मुझसे क्वेश्चंस करते रहे कि सर आपने ऑनलाइन बेंचेस क्यों छोड़ दिया, आप यहाँ क्यों आ गए. बेटा मैं आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो सबसे डिस्कस नहीं की जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिस प्लेटफॉर्म को बनाया, इतनी मेहनत करी, उसको छोड़ने के पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो परेशानियां होंगी जिसके वजह से बेटा उसे छोड़ा गया. मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं कोई अनकम्फर्टेबलनेस तो हो रही होगी. पिछले 9 महीने से बेटा मैं सही से सोया तो था नहीं, सही बता रहा हूँ आपको. ऑनलाइन बेंचर्स जब से शुरू हुआ है हम लोग दिन रात एक था बेटा, कभी नहीं, मतलब सुबह दोपहर शाम रात हमेशा ऑनलाइन बेंचर्स पे ही लगे रहते थे. लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से हमें जो है कुछ अनकंफर्टेबल हुए और जिस वजह से हमें मजबूरी में उस प्लेटफॉर्म से हटना पड़ा बेटा. ठीक है, हाँ, लेकिन अब वही चीज़ें हैं बेटा कि हर एक चीज़ को हम जो है ना आप लोग से नहीं बताना चाहते, उसके पीछे कारण है क्योंकि हम आपको बताएंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा.
जबकि ईमानदारी से अगर बताऊं तो वहां पे सारे बैचेस को हम खत्म करके आए हैं, ठीक है। तो सारे बैचेस को पूरी तरह से खत्म करके आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा, पूरा बैच खत्म किया है, पूरी ईमानदारी से किया है जितना कर सकते थे, ठीक है। हाँ जी दीपिका, बस यही है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन हमारा जो एम था वो ये है कि आप लोग बेटा पढ़ो, आप लोग को पढ़ो, अधिकारी बनो, कल को जीवन में ये चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी कि कासिफ सर और अमित सर ने ऑनलाइन बेंचेस क्यों छोड़ा और यहाँ क्यों आए, तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं बेटा। PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है QNA Academy, वहाँ जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको, कासिफ एंड अमित अकेडमी, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी थैंक यू श्रेष्ठा पूनम, हाँ जी मिहिर राय, बेटा देखो हर इंसान अपने फैसले करने के लिए खुद वो होता है, याद रखिएगा, हर इंसान को अपने फैसले करने का खुद अधिकार है, और हम किसी के साथ जो है ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। हाँ कल दोपहर को 12 बजे हमारी क्लास होगी, फिर से आइएगा ज़रूर बिना मिस किए, ठीक है। डी नवीन कन्ना साहब, पूरे साल का करंट अफेयर्स मैं शुरू कर रहा हूँ सैटरडे से, सैटरडे दोपहर 2 बजे से, ठीक है। तो अन अकेडमी की स्पेशल क्लास पे होगा जिसमें 15 महीने का पूरा करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सेशन को पसंद आए तो सब लोग लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। हाँ जी हाँ, अब बात यहाँ पर यह आती है कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने, 24 महीने। वैसे मैं बता दूँ कि हमारा बैच जो है CDS का 10 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगा, तो 10 अगस्त 2021 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, हालांकि जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो आपका 12 महीने का है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा 1 साल मिलता है अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने का, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन में नए हो तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मेरा कोड इस्तेमाल करना QALIFE, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको, और प्राइस हाइक हो रहा है बेटा 15 जुलाई से, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं जिसमें CDS, FCAT, CAPF के साथ साथ आपको SSB भी लेना है, तो आप 20% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं मेरे कोड के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।